खड़े रहने जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं लाइव। ये मत दिखाइए, हमें दिखाइए। सारे राम भक्त तैयार हो चुके हैं आप। जय श्री राम। जय आए अपनी मर्जी से जाएंगे राम। सब गलत फहमी मत रही है कि भीड़ है, जाने को नहीं मिला। सब जाने को मिला, धड़क्के से जाने को मिला। आधे घंटे के अंदर दर्शन हो गए। तो जी की हालचाल। तो आज दिन है 25 जनवरी। तो आज हमारे उर्मिला जी का बर्थडे है, उस उपलक्ष में विचारधारा बनी है कहीं जाने की। तो जस्ट हम अभी घर से निकले हैं, हवा चेक कराई है और जस्ट 5:30 बजे 5:45 बजे ही सब डिसाइड हुआ है और मैं अभी यहाँ से निकल गया हूँ दुकान से फ्री होके। अब आगे का जैसा जो होता है बताते हैं। फिलहाल तो हम लोग गांव जा रहे हैं देवराज सिंह के, उनको उठाएंगे। वहां पे उर्मिला जी का केक कटिंग सेरेमनी होगी और उनको जूता पढ़ाई लतियाई दी जाएगी। आपको सब आगे की वीडियो में दिखा दिया जाएगा। चलिए जय जय श्री राम। हम देवराज सिंह के यहाँ पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए भाई, क्या है भाई, कब्र पे क्यों लेटे भाई, इतना मंजन बन के। तुम्हारे जैसे दोस्तों से भगवान बचाए भाई। क्या भाई, टोपा लगा लिया भाई। ये क्या है, ये रोला जमाने के लिए चश्मा, ग्लव्स, स्पीति जा रहे हो क्या? मत कर भाई बकवास यार। तो फिलहाल रात के 9 बज रहे हैं दोस्तों, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दोस्त, ओ भाइयो कैमरा में भाई, ये क्या कर रहा है तू? वाइब्रेशन हो रहा है, देख रहा हूँ भाई। वाइब्रेशन नहीं है, वो वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर नहीं, मसाजर है। घर में वाइब्रेटर क्या कर रहा है? मसाजर है भाई, मसाजर है। तो ये भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं भाई। ये टाइम होता है किसी, ये कोई टाइम है किसी घर आने का? रात में छोटा बड़ा ये मसाजर है भाई। तुम पहले बताओ, ये कोई टाइम होता है किसी घर आने का भाई? क्यों आयो? चलो अभी से बुला रहा है। क्यों आयो? अभी बर्थडे मनाना है, थोड़ा सा केक काटना है। केक कटिंग भाई, और कुछ अगर सोचे हो ना तो नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हो रहा है भाई। रात के 9 बजे हैं भास्कर सैनी, रात के 9 ग्लव्स पहनो। कुटाई के लिए वेट। दोस्तों हमारे उर्मिला जी का बर्थडे है, इस वजह से हम लोग भास्कर सैनी आए हैं। और ऐसा हमारे उर्मिला जी का बर्थडे ब्लॉग, ये ब्लॉग सिर्फ उर्मिला जी की कुटाई के नाम का बनेगा। कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं सिर्फ उनको कूटने के लिए? सोचो ये व्यक्ति अपनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी लेके आया हूँ, चाबी दिखा दो मंजन क्विड की दोस्तों को। आप देखो इसमें हिंदू का स्टिकर भी लगा है, लद्दाख का वो भी लगा है। हिंदू का स्टिकर दिखा, ये खाटू श्याम का भाई, खाटू श्याम का हिंदू वाला तुमने उर्मिला को दे दिया है, उर्मिला जी के पास स्टिकर। तो अब हम लोग चलते हैं फिलहाल। तो दोस्तों ऐसे होते हैं दोस्त, इनसे बोलो कि भाई लेने आ जा, कुछ काम है, गाड़ी दे दे। तो पहले तेल का सुनाएंगे कि तेल नहीं है। और यहाँ पे किसी का बर्थडे मनाने के लिए, उर्मिला का बर्थडे मनाने के लिए ये व्यक्ति अपने दुकान का काम जल्दी खत्म करके, कितने बजे दुकान खत्म की है अपनी? 6 बजे। ये क्या लेके घूम रहा है भाई? चलाना। अभी हमारी जो ट्रिप थी पिछले वाली अनप्लान ट्रिप, उसका ये जो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे ऐड कार्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे अभी आ रहा होगा इधर पे, उस पे आप जाके देख सकते हैं हमारी पुरानी ट्रिप। तो उस पे भैया का चलान आया था, कितने का चलान आया था भैया? 1000। कल ही चुकाया हूँ। कल चुका है, आज फिर चल। आप यहाँ पर ही अपने घर से 170 किलोमीटर दूर सिर्फ किस लिए आए? उर्मिला जी की कुटाई कुटाई करने के लिए। देखिए दोस्तों जी उर्मिला, तो दोस्तों बरही से हम लोग उर्मिला जी को डायरेक्ट उठा लिए क्योंकि बरही में थोड़ा ज्यादा भीड़ थी। तो उर्मिला जी हमको खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं। उर्मिला जी कहाँ ले जा रहे हैं खाना खिलाने? खिलाएंगे पहली बार ट्रेन देखेगा क्या? तो ये ट्रेन भास्कर पहली बार ट्रेन देख रहा है। उर्मिला कुछ बोलेंगे? लाल वाली ट्रेन है, लाल वाली ट्रेन। तुम लोग ने जीवन में सिर्फ कार ही में ट्रेवल करवाया है ना, समस्या तो ये है। अभी तुमको चूना भट्टी में चूना खिलवाएंगे हम। आप ये बताइए, आपका बर्थडे है और ये रात के 10:46 हो चुके हैं अगर दिख रहा हो तो। भैया बर्थडे खत्म होने वाला है, पार्टी खत्म। तो क्यों लेके जा रहे हो? ये व्यक्ति 2500 का तेल बुक के क्यों आया जबलपुर से? भाई 12000 इस गाड़ी की सर्विसिंग करवाने मैंने दिए हैं, घूमूंगा तो। तो तेल का तो अभी थोड़ी थोड़ी है, जब जबलपुर आया तो उसका तेल का दिए। सिर्फ तूने दिए हैं 12000 लगे ना? सिर्फ तूने दिए हैं लगे ना? जायरो ले आते
तो फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं, पता नहीं हम लोग झुके ही क्या करने आए हैं, तो पता नहीं हम लोग झुके ही क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ढाबा जाना था, वो तो पंचवटी ढाबा वहाँ था। कौन सा ढाबा बोल के यहाँ लाए हो, कौन सा ढाबा यहाँ पे झुके ही में? हाँ, वो था ना लाइम स्टोन ढाबा। लाइम स्टोन ढाबा नहीं था, कोई जयसवाल ढाबा बोल रहा था। तू कौन सा ढाबा? लाइम स्टोन ढाबा, वो निकल गया भाई। भाई फाटा चालू हो गया, निकालो। तो अब हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं झुके ही। भाई लाइट जला लो। अच्छा हाँ, लाइट जला लो। लाइट है गाड़ी में, तो मैं हेडलाइट जलाना भूल गया था दोस्तों। तो हम लोग बरही से निकलने के बाद जा रहे हैं, अभी तो चार बार बोल चुका हूँ। अब देखते हैं उर्मलिया जी रात में 12 बजे से पहले कौन सा खाना खिलाते हैं, और जूता मारना अभी इनको बाकी है। तो अब हम लोग कटनी जा रहे हैं, बेसिकली कटनी ना जाएंगे भाई जुगई के बाद। मैयर है, मैयर 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 क्यों जाना है भाई कटनी तक? जब था मैयर में काम था, उसकी बुआ का अचार। भाई सुनो ना, कटनी तक की बात हुई थी, मैयर क्यों जाना है? मैयर, अरे उसकी बुआ का अचार देना है ना, थोड़ा सामान आया है घर से, तो बुआ के यहाँ देना है, मीटअप करना है। बुआ बोली बच्चे तो बहुत दिन से नहीं। भाई पक्का ना? हाँ पक्का। मैयर बात तो 2 बजे तक वापस। हाँ 2 बजे तक तुम सामने देख लोगे तो मैयर चलेंगे, नहीं स्वर्ग के रास्ते दूर नहीं। तो अब मैं सामने देख के गाड़ी चला लेता हूँ। फिलहाल ये लोग अब मैयर लेके जा रहे हैं। देखिए मैयर पहुंच के आपको बताते हैं कि कितने बजे वापस लौट रहे हैं। ये बर्थडे ब्लॉग है, उर्मलिया जी का बर्थडे ब्लॉग। उर्मलिया जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पब्लिक आपको कहना चाहती है हैप्पी बर्थडे टू यू। कमेंट करें सब हैप्पी बर्थडे उर्मलिया जी। टुडे इज उर्मलिया जी डे। टुडे इज उर्मलिया जी डे। बिल्कुल। ये उर्मलिया जी का हैंडल सुधांशु उर्मलिया 9। सर आपका हैंडल भास्कर 69। तो फिलहाल रात के 11 बजे हम लोग झुकेही में खड़े हैं, और गेड़ी मारते मारते हम लोग झुकेही आ गए हैं। उर्मलिया जी का बर्थडे ब्लॉग कहाँ पे खत्म होगा? भैया से बोला कुछ कुछ दे दो, कुछ कुछ भैया के यहाँ कुछ कुछ भी मिलता है, आप देखिए भैया की दुकान झुकेही में। भैया आपका शुभ नाम? कौन से भैया? धर्मेंद्र गुप्ता जी की दुकान में हम। उर्मलिया जी आप यहाँ से हमको क्या दिलवाने वाले हैं? कुछ कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तेल ना लगाओ भैया। भैया डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो व्यवहार तो बनेगा ना। ठीक है, अगली बार दे देना भैया 5 का। ये बताओ आप बर्थडे के नाम पे जो हमको लेके घूम रहे हो, खिला रहा हूँ ना कुछ कुछ। तो दोस्तों बर्थडे में उर्मलिया जी हमें कुछ कुछ खिला रहे हैं। दाल बाटी खाएगा? दाल बाटी, दाल बाटी, दाल बाटी, भर पेट भर जेब, घड़ी टॉयज और क्या। तो अभी हम लोग फिलहाल झुकेही में हैं, और ये जय श्री राम, जय श्री राम का झंडा ही मिलता है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से जा क्या भैया, वो एक पड़ोसन की पप्पी भी आता है ना, वो काम नहीं है क्या? क्या पड़ोसन की पप्पी है? अरे यार, अरे तुम नीच टाइम उतर गए हो यार, टैक्स आता है यार वो। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो कटनी मिलेगा, और यहाँ से इधर जाएंगे तो मैहर मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, खाना खाने आए दोस्तों। उर्मलिया जी के बर्थडे में कटनी खाना खाने आए स्पेशली। हमारे पापा ने इतना हमारे भरों में खर्चा नहीं किया जितना लगता है इस बर्थडे में हो जाएगा। क्या गाड़ी की सर्विस? उर्मलिया जी करे बहुत, मैंने गरम करे गलत, गरम करे मैंने गरम करे गलत, गरम करे मैंने गाड़ी आके तो मोहर उल्टी चार जितनी पूछा। दोस्तों फिलहाल हम लोग मैयर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि भास्कर सैनी क्या ही बताएं, रिश्तेदारी निभाने गया अभी। क्या होगा उर्मलिया जी? चूतिया काट रहा है, पता नहीं क्या प्लान चल रहा है उसका। वहां से आया जबलपुर से, कहता है कि आ रहे हैं हम, मिलना है, बर्थडे मनाना है। आया कहता है केक लेके आएंगे, कुछ नहीं लाया, खाली हाथ आ गया, मुंह झूला करके। अब कहता है कि बरही में खिलाएंगे, बरही में मिला, कहता है कि अब बरही आया, कहता है कि नहीं अब कट मारा भरपूर है, मार भी दिया अभी अभी, और आगे हो गया। अब हम अपनी दुखद कहानी नहीं बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या किया उर्मलिया जी? फिर उसके बाद कहता है कटनी चलो, कटनी आया तो कहता है अभी मैयर चलो, बुआ के यहाँ थोड़ा सा कुछ काम है। अभी बुआ के यहाँ से अभी एकदम से उसके मुंह से अभी निकल गया कि नीलू के पास कुछ काम है, ये हरामी रीवा लेके जाएगा, रीवा लेके जाएगा, है ना। तो वहां से हमको नहीं पता है, भविष्य अंधकार में हमारे, इसके साथ हमको छोड़ना पड़ेगा काले का साथ। जब घर वाले बोलते थे ना, जितना बाहर से काला है उतना अंदर से भी काला है, ब्लैक गोल्ड है। क्या है दोस्तों, घर वाले जो छोटे में बोला करते थे ना कि गलत लोगों से दोस्ती नहीं करना, वो यही गलत लोग थे। गजब बेइज्जती है। अब आप सोचो, मैं अपने घर में आराम से सोने वाला था, ये व्यक्ति बोलता है भाई तू एक काम कर, तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला क्यों आ रहा है? कहता है भाई देख, खाली बैठा था, टाइम पास नहीं हो रहा था। क्यों?
तो उरमलिया के यहाँ चलते हैं, उसका बर्थडे है तो उसका बर्थडे मनाएंगे, उसको वहीं मारेंगे कूटेंगे। मैं बोला भाई ठीक है यार आ जाते, हुआ बोल ही रहा है तो आ गया। अब बोलता चलो चलते हैं, खाना मत खाना क्योंकि खाना उरमलिया खिलाएगा। अब 9 बजे मेरे घर में आया, अब यहाँ लेके आया बरही, इसको बरही बुलाया, बरही में इसको मारा, फिर बोलता है उरमलिया कुछ खिला, इसका केक भी नहीं कटवाया। अब पूरे 12 बजने वाले हैं, अभी तक उसका केक नहीं कटा है। कितने बज गए हैं? टाइम दिखा, अगले साल कटवा देना। टाइम तो दिखा 11:40 है, 11:40 हो गए हैं, अभी तक उसका केक नहीं कटा है। उसको बोलता है भाई तू हमको होटल में खिला। होटल में आए, होटल में बोलता है नहीं यहाँ नहीं खाऊंगा, वो जो कटनी वाला ढाबा है वहां पे खाऊंगा। बोले ठीक है भाई चल ले यार 2 घंटे में आ जाएंगे। बोलता नहीं झुके ही साइड चलो, एक जैसवाल ढाबा अच्छा है वहां पे खाएंगे। हम बोले चल ठीक है वहीं चलते हैं। अब वहां पहुंचा ढाबा में तो बोलता भाई एक काम करते हैं, मेरे को बुआ के यहाँ सामान देना था, एक तो सुबह सोच रहा था जाने का, तो अभी रात में आई गए हैं तो दोबारा नहीं आऊंगा तेल बचाने के लिए, तो अभी चल के सामान दे देते हैं। इतना हराम खोर है साला, बाहर खड़ा करके ले गया कि चाय भी नहीं बनवानी पड़े। हाँ चाय अंदर भी नहीं ले गया, अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, तुम लोग भी नहीं जा पाओगे। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मैहर में, तो अकेले गया है बुआ के पास। अब मैहर हम लोग आई गए हैं रात में 12 बजे, तो बोलता भाई रात में अपन लौट चलेंगे, चलो उससे ही मिलाते हैं तो वहीं पार्टी कर लेंगे, अभी हमको रीवा लेके जाएगा। इसीलिए दोस्तों दोस्त सोच समझ के बनाओ, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। वो देखो दौड़ते हुए आ रहा है, देखो ये देखो भाई दे दिए तुम अपना सामान बुआ को। हाँ। अभी तुम कहाँ जाने को बोल रहे हो? अभी यहाँ से भाई भाई पहुंचो पहले, भाई बता रहे फिर भाई देखते हैं लेफ्ट राइट कहीं ले लेंगे जहाँ मन पड़ेगा, अमर पाटन में कुछ खा लेंगे। चलो भाई तू एक काम करना, तू मेरा नंबर ब्लॉक कर दे, मेरा नंबर डिलीट कर दे। गाओ गाओ बोले चुड़िया गा दो। नहीं भाई लाल दुपट्टा का। चलो अरे यार गाओ ना, गाओ मैं भी गाऊंगा ना। चालू करो उन्होंने चालू करेगा। पिंकी पिंकी पॉंकी तेरी बातें डोंकी, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय मगर मेरी जान लेगा वो। आप मुंबई आ रहे हैं, मैं मुंबई आ रहा हूँ भाई। मुंबई भाई वो कौन सिलेक्टेड इन इंडिया, इस चीज की कोई गलत सगा तो नहीं थी ना? नहीं थी भाई, नहीं थी ना? नहीं भाई। इसके अलावा अगर कोई गाना सुनता यहाँ बैठ के तो गाइस गाली मत देना हम लोग को प्लीज, इसको म्यूट भी मत करना। अरे भाई तो हमारी गाड़ी फिलहाल रीवा पहुंच चुकी है, पता नहीं रीवा हम लोग क्यों आए हैं। अभिषेक सिंह ठाकुर के यहाँ और अब उसके घर के बाहर खड़े हैं, अब जाके देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। अभी आप लोग को दिखाते हैं। हाँ अभी ऊपर तो पहुंच जाने दो, बाद में जूता निकालेंगे ना। ये सब क्या है? और बलिए जी को पहले मैं 100 नंबर फोन कर दूं। क्या हो गया? आ गया भाई, सोया नहीं। अरे अरे ऊपर 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 चले, ऊपर चले। सर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर लेके चलो, चलो फट रही है, फट रही है तो फटनी भी चाहिए ना, जायज बात है। सर ये सर ये वाले जूते सही रहेंगे? नहीं फेल है। चलो चलो वुडलैंड रखे हैं क्या? वुडलैंड रखे हैं क्या? नहीं वुडलैंड रखे हैं क्या? तो रीवा सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये सर इसको पेलेंगे, तो सर का कहना था हमारे पास भी लेके आइए। सर आप खुश है ना आपके पास लेके आ गए इसको? क्यों सर अंदर चलो। सर सर आगे 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 अहिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये प्यार था। क्या था ये कंटेंट आपको सीखे ना, ये हम लोग का कंटेंट। ये 2500 का तेल सिर्फ इसलिए फूके हैं कि इसको सब फेल सके। आपको कैसा आपको कैसा महसूस हो रहा है? धुआं निकल रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? दिखा दिखा उल्टा दिखा दिखा लगा तो नहीं
दिखा तो, दिखा तो, नहीं मार रहे, नहीं मार रहे, घूम तो, घूम तो, दिखा। क्या हुआ भास्कर सैनी? एक अंकल आए, बोलते कोई पूरा बता, पूरा बता। कुछ चिल्लाते हुए अंकल आए, बोलते हैं कोई किसी को मार रहा है, पुलिस को बुला रहे। भाई गया तो बोलने, मेरे कोई को नहीं पिटी, मेरे को पड़ी है। अभी आया, अभिषेक आएगा तो बताएगा। मुझे जी क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमें अभी बोलने की हालत नहीं आ रही। पुलिस पुलिस कंप्लेन हो रही थी। मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ, पुलिस थाने पे लड़ रहा हूँ। क्या बोल रहा था अंकल नीचे? अरे अंकल कहता है कोई मार पाया है, मेरे को लग रहा था मेरी को मार नहीं है। क्या भाई कितना चिल्ला रहा था अंकल? लेकिन कहे अंकल चला है भाई, नींद डिस्टर्ब हो गई, कहता है रुको गार्ड को बुलाता हूँ, सुना ही नहीं, गेट बंद कर लिया मैंने, सॉरी भी कहा थी। कौन सोचा था कि उर्मिला केक कटवाएंगे नीलू के घर में, लेकिन हम लोगों ने ताला कर दिया कि यहाँ सोसाइटी में फोन लग गया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होने वाली थी। सोसाइटी वाले भगा रहे हैं कि अब भी रात को निकलो, बोरिया बिस्तर सब लेके। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जाते हैं गाड़ी में बैठेंगे, कहीं रात भर चिल मारेंगे। निकल रहे सर, क्या हुआ बोलना चाहेंगे? चलो बाहर बता। क्यों भाई, हमारे जैसे लड़कों को अच्छी सोसाइटी में क्यों बुलाते हो? तुमको नहीं पता क्या, हम अच्छे सोसाइटी के लिए नहीं बने हैं। तुमको भी अब समझ में आया? अगले बार से गलती नहीं होगी। अपार्टमेंट ज्यादा अच्छा था, वहाँ कोई नहीं बोलता था, वहाँ कोई नहीं बोलता। तो अब हम लोग निकलते हैं दोस्तों, ढाबा, नियरेस्ट ढाबा वहाँ मिलते हैं। इतने टाइम में सोसाइटी का गेट खुला था, वहाँ पे हल्ला हुआ तो इन लोगों ने आप देखिए ताला लगा दिया है। वो गार्ड पीछे तो डंडा लेके घूम रहा है कि कौन हल्ला कर रहा था। अब वो आएगा तो ताला खोलेगा तो हम लोग जाएंगे। इतना ताला पहले ही बंद कर दिया कि ये लोग अब निकले ना पाए, पहले इनको पहले निकले। अच्छा अंदर और दो डंडे लेके घूम रहा है वो। अरे मैं तो कैमरा चालू करके नीचे आ रहा था। हल्ला करता वो ये सोच लिया कि इसको कोई मार रहा है, इसको, क्योंकि गाड़ी भी सामने खड़ी थी। दोस्तों रात में किसी अच्छी सोसाइटी में मत जाओ। तो हमारे भैया आ चुके हैं, दो डंडा लेके घूम रहे थे भैया, डंडा रखने जा रहे हैं। नहीं सही बात है, सही बात, सही बात है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, हमको तो रेडी रहना पड़ेगा। सही है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। अंकल है ना, ये जो भैया है ये इतने हट्टे कट्टे हैं, ये पांच बाउंसर की शक्ति अपने अंदर समाये हुए हैं। अब ये गेट खोल रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं, ताला खोलने के बाद मिलते हैं भैया से बाद में। तब तक के लिए भैया जय श्री राम। अब नहीं आ रहे हम दोबारा, अब नहीं आ रहे हम दोबारा। केक कटेगा ढाबे में, तो उर्मिला के बर्थडे का ये जो ब्लॉग है ये बहुत खतरनाक बन रहा है। तो दोस्तों सोचे उर्मिला जी केक गाड़ी में कटवा लें, लेकिन उसके बाद हमारी नजर पड़ी भैया के चौबे जी के ढाबा में, यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे वाली दीवार है, तो अब इसमें केक कटवाएंगे जिसमें उर्मिला जी थोड़ा मंजन लगे। भाई स्नैप मैं भी बना दूंगा, स्नैप नहीं बना, मैं फोटो खींच रहा था। मैं एक स्नैप बना। तो अब उर्मिला जी केक कटेगा हैप्पी बर्थडे में, जिंदगी में पहली बार। मैं जितने केक काटा हूँ तुम्हीं लोगों के साथ काटा हूँ, तो क्या पता आगे काटने मिलता है, नहीं तो मैं ही काटूंगा केक, कोई नहीं काटेगा। 26 साल पुराना हो गया, इसको घोड़ा बनाओ पहले, कालू को तेरे पीठ में रखेंगे। कालू सुन भाई, 26 साल पुराना हो गया, उर्मिला जी अब केक काटेंगे हैप्पी बर्थडे। अबे रुक रुक रुक, बैक दोबारा। चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उर्मिला, हैप्पी बर्थडे टू यू। जुठे पहले तू ही खा ले, उसको उठ देगा चक्कू चाट लिया है उसाला, चक्कू चाट लिया है वो हरामी। बस बस अब उठा इसको गाड़ी में, चलो वहीं खाएंगे इसको, उठा उठा उठा, बर्बाद नहीं करना एक भी समय। तो दोस्तों उर्मिला जी केक कट चुका हैप्पी बर्थडे में। Wanna come a little closer? आप देख सकते हैं हनुमान आश्रम जो वेब सीरीज है उसकी शूटिंग हुई है। घोर निंदा करते हैं इस नियम की, कुछ कहना चाहेंगे ये जो हो रहा है अपने साथ CRPF वगैरह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। My own girl, tell me what to do. She's so nice, but just like you should.